हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट करंट अफेयर्स 2021-22 के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो कि यूपी कैडेट इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और आपके लिए दिया जाएगा 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। देश के पहले गार्बेज कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट गार्बेज कैफे इनॉग्रेटेड? तो यहाँ पे जो पहला जो गार्बेज कैफे खोला गया, कहाँ पे खोला गया? छत्तीसगढ़ में खोला गया, ध्यान रखना छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और उत्तर करेंगे यहाँ पे सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार व पद्मश्री साथ में नहीं दिया गया? हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गिविंग द मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड एंड पद्मश्री सिमुलेटेनली? यानी दोनों को संयुक्त रूप से, यानी उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इस वर्ष दिया गया है और उनको जो है पद्मश्री भी दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 4 पर्सन को दिया गया, केवल 4 पर्सन ऐसे हैं जिनको जो है दोनों में कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों में जो है कॉमन है। बाकी जो है यहाँ पे अगर मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो ये जो है कितने लोगों को दिया गया, 12 लोगों को, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। और पद्मश्री की बात करेंगे तो 107 को दिया गया है। तो इन दोनों 107 और 12 में से कॉमन जो है वो 4 हैं। वो कौन कौन से? नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल। और जो चौथा नाम है वो कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा, ठीक है। पैरालंपिक जो है शूटिंग है आपका। तो मिताली राज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जिनको जो है केवल दिया गया है खेल रत्न, इनको क्या नहीं दिया गया, इनको जो है पद्मश्री नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिताली राज, पहला आंसर यहाँ पे आपका सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, स्थापित किया गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड? तो यहाँ पे घास, यहाँ पे कंजर्वेशन की बात की जा रही है, ग्रास कंजर्वेशन की बात की जा रही है। तो इसको कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड में इनोग्रेट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो ध्यान रखना कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो जैसे कि आपका गुलमर्ग, ये सब जो है आपको कहाँ पे सुनने को मिलते हैं, सोनमर्ग, ये सब आपको कहाँ पे सुनने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर। लेकिन आपका जो है भुगयाल, फयाल, ये सब जो सुनने में मिलते हैं तो आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में सुनने को मिलेंगे। तो वहाँ पे घास के मैदान को जो भुगयाल या पयाल कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर कर दिया गया है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम जो बदल कर दिया गया है, राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ध्यान रखना है। तो राम गंगा नेशनल पार्क जो वर्तमान में नाम है किसका, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, यूके में है, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा और ये जरूर बताएंगे। तो यूके से यूनाइटेड किंगडम नहीं करना है, यहाँ पर यूके उत्तराखंड की बात चल रही है। तो इसका उत्तर करेंगे आप फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बी सेटअप? तो कहाँ पर इसको स्थापित किया गया, अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो लद्दाख में इसको स्थापित किया गया, ठीक है। कहाँ पे? लद्दाख में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियाज मेंस हॉकी टीम इन द 32nd समर ओलंपिक गेम्स 2022? वर्तमान में 22 चल रहा है लेकिन इसको हम 2020 ही कहेंगे, 2020 ही कहेंगे, जो कि कहाँ पे हुआ, टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, ठीक है। यानी ओलंपिक जो है कहाँ पे हुआ, टोक्यो में हुआ है। इसमें जो इंडिया की रैंक थी वो कौन सी थी, 48वीं रैंक थी। और भारत ने जो है इसमें जीता कितना कुल पदक है, तो टोटल 7 पदक। इसमें जो एक गोल्ड है,
दो जो है सिल्वर है और चार जो हमारे ब्रॉन्ज है। इस बार जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके द्वारा जो ब्रॉन्ज है उसमें से एक ब्रॉन्ज जो हमारी भारतीय हॉकी टीम पुरुष के द्वारा जीता गया है, जिसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह थे यहाँ पे कैप्टन। और अगर यहाँ पे वीमेंस हॉकी टीम की बात करेंगे, महिला हॉकी टीम की, तो उसकी कप्तान थी रानी रामपाल। पीआर श्रीजेश की बात करेंगे तो ये जो है क्या है, ये हमारे गोलकीपर थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। तो पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह इनको भी दिया गया है क्या, इनको भी दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे इनका भी नाम। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। डेविस कप 2021 विजेता टीम है, डेविस कप 2021 विनिंग कंट्री। तो डेविस कप जो है पहली बात तो किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे टेनिस से, ठीक है, तो टेनिस से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है विजेता इसकी जो रही वो कौन है, स्पेन है। उप विजेता की बात करेंगे तो अर्जेंटीना, यानी रनर अप जो है यहाँ पर रही है, रनर जो रही है वो कौन है यहाँ पर, अर्जेंटीना रही है। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। CBSE के नए अध्यक्ष कौन है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। तो CBSE के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बने हैं, तो इनको जो है बनाया गया है 13 मई 2022। तो कौन बने हैं इसमें, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर जो है करेंट में जो है क्या है 13 मई 2022 को यहाँ पर बनाई गई हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले जो विनीत जोशी, यानी 13 मई से पहले जो है कौन थे, विनीत जोशी थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या बनेगा। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन रिलेटेड टू। तो यहाँ पर जो है किससे संबंधित है, टमाटर प्याज और आलू से। ऑपरेशन ग्रीन है क्या, इसमें क्या किया गया कि ये जो टमाटर है प्याज है और आलू, यानी टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, इसको जो है TOP भी कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें इसको टॉप भी बोला जा सकता है, तो क्योंकि टोमेटो ओनियन और पोटैटो यहाँ पे तीनों हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि इनके उत्पादन और इनका जो है मूल्य को क्या करना है, इसलिए इनके उत्पादन पर जो है हमें जोर देना है कि इनका जो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और दूसरा काम यह है कि इनका मूल्य जो है निर्धारण करना है, इनका जो प्राइस है वो क्या करना है, फिक्स करना है। अब इसमें क्या है कि किसानों को जो है ताकि उनकी जो उपज हो, जो उनका जो यहाँ पे उनके द्वारा जो उत्पाद किया जाए, जो उनका प्रोडक्शन है उसकी क्या हो, अच्छी खासी जो है उनको इनकम मिल सके, उसका जो अच्छा मूल्य मिल सके, सही रेट लगाया जा सके, ठीक है। तो ये 2018-19 के जो है हमारा जो बजट था उसमें क्या किया गया था, इस पर चर्चा काफ़ी की गई थी और जो है अब इसको लागू किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑपरेशन ग्रीन आपका किससे संबंधित है, टमाटर प्याज और आलू के उत्पादन और इनके जो है मूल्य निर्धारण से। अगला प्रश्न और ये आपका आखिरी प्रश्न है, तो इसका उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। कृषि क्षेत्र में समस्या का प्रत्यक्ष समाधान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है, विच ऑनलाइन फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डायरेक्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो बनाया गया ई कृषि संवाद, ई एग्रीकल्चर डायलॉग्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक आपका स्कीम बनाया गया, एक आप कह सकते पोर्टल बनाया गया है, ई एग्रीकल्चर डायलॉग की बात की जा रही है। तो आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक चीज़ और, इसका जो यहाँ पे स्टार्टिंग कब की गई थी, तो 11 मई 2017, 11 मई 2017 को इसको शुरू किया गया था, ओके। तो इसका ध्यान रखेंगे और आपका इसी के साथ जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे। फाइनली जामित आशीष सर, थैंक यू।